आपका स्वागत है। आज हमारा चैनल का प्रोग्राम जानेंगे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि नई सरकार की गठन हो चुकी है। कई मंत्रालय देने से जो किए गए वादे हैं वो पूरे हो पाएंगे। तमाम तरह के सवाल जो है जनता में अभी भी जो निकल रहे हैं, तमाम सवाल ऐसे ही खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ पब्लिक है जिनको जिनके मन की बात हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार नहीं सरकार क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? देखिए, मन की बात को करने से काम नहीं चलेगा, काम की बात करनी है, क्योंकि सरकार तो 5 साल के लिए चुन ली गई और इन किन प्रकारेण जो लोग सत्ता में आ गए, जो लोग जीत के चले आए, उन्हीं से हमारी अपेक्षाएं होंगी। हालांकि आप जानते हैं एक रोजगार बिहार के चुनाव पर तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो बीजेपी ने भी इधर से कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। और 19 लाख रोजगार जब करने की बात इन्होंने की, सार्वजनिक ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे। हाँ, 10 लाख उन्होंने नौकरी देने की बात की, इन्होंने 19 लाख रोजगार देने की बात की। हमारा कहना है कि 19 लाख अब देखने की बारी है। अब यही सवाल देखने की बात है कि जो मन की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, वह 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, प्रति साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी तरह का मन की बात करते हुए टेन्योर अपना पूरा कर देंगे, या फिर दान की बात करते हो 19 लाख रोजगार देने। क्या काम होना चाहिए? जनता की अपेक्षाएं होंगी कि जो बुनियादी जो हालात है, बुनियादी सवाल हमारे, शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, इस पर बेहतरी की बात होनी चाहिए। सड़क का सवाल, जो रोजमर्रा जो लोग जूझ रहे हैं, रोजी रोटी का सवाल, किसी को काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ जो बंद पड़ी हुई है, सिवान जिले के अंदर तीन चीनी मिल, सूता फैक्ट्री सब खुलना चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। और केवल बात करने से नहीं होगी, सीधे तौर पर काम की बात करनी चाहिए। ठीक बात है कि नीतीश जी ने 15 मंत्रियों, लेकिन अब तो काम इनको करने की बारी है। हम आपको एक मिनट रुकेंगे, फिर आपके पास आएंगे। आप बताइए कि जो नई सरकार का गठन हुआ है और क्या चाहते हैं? सबसे पहले बता देना चाहते हैं, ये NDA की सरकार है, 15 साल से बड़बोल की सरकार है, सिर्फ बोल और मन की बात करते हैं, बिहार के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। उम्मीद ये है कि नई जो सरकार बनी है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनसे उम्मीद ये भी लगाता हूँ कि बोलने से काम नहीं चलेगा, बिहार के लिए कुछ करना होगा, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। 19 लाख रोजगार के वादा किया इन्होंने, 19 लाख में से अगर यदि 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलता तो हमारे बिहार काफी उच्च स्तरीय पे जाएगा, हिंदुस्तान में हमारा राज्य काफी अच्छाई के आधार पे दिखेगा, युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे, अन्य राज्यों में जाएंगे। जो पिछले बार 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, ये कह करके कहीं ये भी तो भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र नहीं कहेंगे? देखिए, जुमलेबाजों पर बहुत भरोसा नहीं रहा, लेकिन चूंकि सरकार इनकी बन गई है, तो सरकार इनकी बन गई है तो इनको काम करने की जनता अब तलाशेगी, और काम अगर नहीं अगर करेंगे तो 5 साल तक जनता इंतजार नहीं करेगी। जगह जगह पर वह सड़कों पर उतर कर अब आंदोलन की शुरुआत अब होगी। बिहार का चुनाव कल चुनाव नहीं था, यह अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था। आप देखिए कि बिहार के पिछले तमाम चुनावों के अंदर में जाति पाति और तमाम तरह की चीज़ें चलती थी, इस चुनाव का केंद्रीय मसला रोजगार का मसला, या रोजगार का मसला अचानक एक दिन में नहीं बना। और निश्चित ही अगर लोग अगर नहीं समझेंगे तो जगह जगह पर विधायक जी को घेर कर उनसे 7 लाख रोजगार तो देना ही। यानी जनता एकदम जागरूक है? जी बिल्कुल। आप बताइए जी, क्या लग रहा है कि जो वादे किए गए हैं सरकार के तरफ से, नई सरकार की गठन हो चुकी है, पूरे हो पाएंगे? और क्या उम्मीद है? कुछ भी पूरा होने वाला नहीं, एक तरह से जुमला है, चुनाव जीतने का एक लॉलीपॉप था, और अभी जो मंत्रालय बांटा गया है, यह मंत्रालय कम या एक जातिगत कॉकटेल है कि सभी जातियों के एक एक आदमी को, मतलब जो जो के नहीं उसी को भी बैठा दिया, बैलेंस बना गया जी, बैलेंस बना के चला गया है। आगे के चुनाव को देखते हुए बंगाल में चुनाव है, फिर यूपी में चुनाव है, या कुछ कहिए कि आने आपको नहीं लगता कि काम अभी भी खड़ा है? हमने लेते एक और आदमी से, भाई बताइए, नई सरकार का गठन हो चुका है, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? भाई हमारा तो उम्मीद बाबे के नो अब फेका फेक में 5 साल निकल जाए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जे बाबे वो कहता है कि 2020 चलत आवे, आ एक मुख्यमंत्री वो कहता रंग के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के, पर उनको मालूम नहीं कि CM के बाप प्रधानमंत्री के, हमारा तो लगा था फिर फेका फेक में चल जाए। हमारे NDA ने वादा किया, क्या लगता है पूरा उपाय? परसों देखे बबुनिया रोड पर ना, 2 आदमी को जबरदस्ती नौकरी दिया जा रहा था, वैक्सीन लगाया जा रहा था, 5 अभी सऊदी से जो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, दिल्ली में, तो 5,000 कोरोना नाम के ले रहा है, 5,000 रुपया ले रहा है।
बताइए वो इंडिया का नहीं है, इंडिया का आदमी है, ये हर जगह ना खाली फेका फेक करेगा और जबरदस्ती कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हैं। और अब मैं आप और लोगों से बात करूंगा, जैसा लोगों का एक तरह से नाराजगी टाइप का दिख रहा है कि जिस तरफ पिछले बार में वादे किए गए और पूरे नहीं हो पाए, इसलिए अभी बातचीत से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये भी वैसे ही गुजरने वाला। लेकिन और एक दो आदमी से हम सवाल लेते हैं, आप बताइए कि जो नई सरकार का गठन हुआ है, कई अहम जिम्मेदारियां लोगों को दी गई हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों से लोगों को नवाजा गया है, तो क्या लगता है इस बार काम हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल काम नहीं होगा। ये तो जुमलेबाजों का सरकार है, सिर्फ फेंकते हैं। देखिए लॉकडाउन हुआ, तो पिछली सरकार में काम नहीं हुआ था, कुछ भी का काम नहीं हुआ था। नीतीश कुमार ने तो कहा था सड़क बनवा दिए, बिजली घर घर पहुंचा दिए, हर नल जल घर पर पहुंचा दिए। जाइए ना, टूटी पैंती है उसमें से पानी नहीं गिरता है सर। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को धरातल पर उतर करके जिस तरह से तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था कि जीविका दीदी ये सहायिका जो है उनको, शिक्षक को समान वेतन, समान काम समान वेतन देना चाहिए, और जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन लोगों को नौकरी देनी चाहिए सरकार को। अरे आपके पास आ जाते हैं, क्या लगता है सरकार का गठन हुआ है? और यहाँ नीतीश कुमार माननीय श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो कहा है वो किया है, और हमको नहीं लगता है कि यहाँ जुमलाबाजी किसी का चलने वाला है। तो नीतीश जी ने बहुत सारा काम भी किया है और कुछ बाकी है, तो रोजगार देते हैं और शिक्षा का समस्या दूर करते हैं, तो अगला बार फिर उनको हम लोग दिखाने का काम करें। यानी 15 साल सरकार रही, 15 साल में जिस तरह से रोजगार मिले हैं, क्या अभी भी इसको रोजगार मिलेगा? क्या रोजगार मिलेगा? पहले रोजगार का सवाल नहीं था, पहले अपराध था और रोड समस्या थी, बिजली समस्या था, जिसको मंडी नीतीश कुमार ने पूरा किया है। अब रोजगार का समस्या है और एजुकेशन का समस्या है, तो हमको नहीं लगता है कि वो इससे अलग जाएंगे, उनको समझ में आ गया है और इस दोनों समस्या को वो पूरा करने का। ये जो सरकार बनी है इसमें रोजगार देने की बात कही गई है, नौकरी की बात नहीं कही गई है। लेकिन हो सकता है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी इस पे गहन विचार करके, उम्मीद है। हाँ जी बताइए, क्या उम्मीद है सर? सबसे पहले युवाओं को रोजगार की जरूरत है, सड़क बना दे, शौचालय बना दे, खाने को अन्य पेट में रख नहीं, सोच जाएंगे कैसे? सोच हम लोग जाएंगे कैसे? पेट होता पहले, सड़क नहीं होता, सोच नहीं होता। पहले युवाओं की रोजगार की बात करें, इनको 5-5 साल टाइम दिया जाए एनडीए सरकार को एक एक काम करने के लिए, यही उम्मीद है। ये सत्ता के नशे में इतने चूर हैं, इतने चूर हो चुके हैं, इतने अहंकारी हो चुके हैं, ये बिहार के लिए क्या करेंगे? जो अपना भर रहे, अपना पेट भर रहे हैं, और चुनाव के बाद ये अपने अयासी के लिए निकल जा रहे हैं आउट ऑफ बिहार, आउट ऑफ इंडिया। ये क्या बिहार के लिए रोजगार सुधारेंगे, स्वास्थ्य सुधारेंगे, शिक्षा सुधारेंगे? इन भक्तों के लिए जितनी बात कहा जाएगा, टाइम रहा तो अगली बार मैं अपनी बातों को रखूंगा। ये रोजगार की सरकार नहीं है, यहाँ तो इनका कुछ और कहना है। लोगों में गुस्सा है, उस गुस्सा पे माननीय श्री नीतीश कुमार जी का ध्यान होना चाहिए, तभी लोगों का गुस्सा खत्म होगा। अभी इनका गुस्सा भी जाएगी सरकार को, क्या करे, क्या करना चाहिए? ये सरकार को सबसे पहले शिक्षा में सुधार करना चाहिए। जो युवा है, पिछले सरकार में आपने देखा कि 5-5 साल 6-6 साल लग गया लोगों को ग्रेजुएशन करने में। जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक फिक्स डेट होता है कि इस डेट तक आपका एज इतना होना चाहिए, 26 साल या 27 साल। जिन लोगों का 2-2 साल 3-3 साल चला गया, उसका तो नौकरी चला गया, वो तो उसका तो जिंदगी समझ लीजिए बर्बाद हो गया। तो सरकार युवाओं को बर्बाद कर रही है। कहना है कि अगर किसी समाज को बर्बाद करना है तो सबसे पहले वहाँ जाइए। किसी भी सरकारी स्कूल में आप जाएंगे तो वहाँ ना आपको लाइब्रेरी मिलेगा, ना लेबोरेटरी मिलेगा, ना ही कॉलेज में किसी लैब चल रहा है। हर जगह मतलब कॉलेजों की स्थिति बद से बदतर है। एक एक VC दो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, अपने आप में बहुत ही शर्मनाक। और लोगों से जवाब लेते हैं। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने काम किया है और काम करेगी, तो आपको क्या लास्ट में लगता है कि सरकार अब कर पाएगी काम? धन्यवाद।
₹100 मिलता था, एक आज ₹150 मिलता है, ₹50 का तेल महंगाई हुआ है, बताइए ₹37 किन के ₹80 किन रहे हैं। सरकार टैक्स, पहले तो लोग बल्टाउन बजड़ा बाल खा के लोग जीता था, अब चावल लोग खा रहे हैं। पहले का छोड़िए, पहले का टैक्स देता था, जीएसटी देता था, रोड टैक्स देता था, टोल टैक्स देता था पहले का लोग, अब तो पूरा टैक्स रहे लोग भाई ना, घर पर लोग मर रहा है, पैसा ही नहीं।